हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसमें VDOP की प्रॉब्लम है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑयल पंप की, जिसकी वजह से टाइमिंग कवर खोला है। इसका टाइमिंग कवर चेंज होगा, नया पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये कैम शाफ्ट हैं दोनों, और ये इसकी टाइमिंग बेल्ट वगैरह हैं सब। इसको खोल रखा है, ओपन कर रखा है। इसमें इंजन चेक लैंप आ जाती है बार बार, और RPM देना बंद कर देती है। आइडल RPM पे चलती है ये, जिसकी वजह से इसका हमने ऑयल प्रेशर सेंसर भी चेंज कर लिया, VDOP एक्चुएटर भी चेंज कर लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब भी प्रॉब्लम सेम की सेम रही। इसकी वजह से हमें इसका VDOP पूरा कंप्लीट चेंज करना पड़ रहा है, जो वो टाइमिंग कवर में लगा होता है, इंजन टाइमिंग कवर केस में। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। ठीक है, ये देखिए, यह है इसका टाइमिंग कवर, और यह है इसका VDOP पूरा। ये ऑयल पंप, इसमें ऑयल सर्कुलेट होता है। ये इसका VDOP एक्चुएटर लगा हुआ है, ये VDOP एक्चुएटर है इसका। ये पूरा नया पार्ट पड़ेगा इसके अंदर। इसको खोलने के लिए काफ़ी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। वह कंप्रेसर भी खोलना पड़ा है इसको, अल्टरनेटर भी खोलना पड़ा है इसके अंदर हमें, और स्टीयरिंग पंप भी खोल ली है इसके अंदर। काफ़ी आइटम खोलने के बाद तब ये बाहर आ निकलता है, और इंजेक्टर भी बाहर निकाले गए हैं। ये टाइमिंग कवर है ऊपर का, जो प्लास्टिक का दिया होता है वो भी खोलना पड़ा है, फिर जाके इसको खोला है। अब ये हम चेंज कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये इसका टर्बो रहा, और इसका EAT लगा है, एग्जॉस्ट गैस आफ्टर ट्रीटमेंट। ये इसका इंटेक मैनिफोल्ड है, ये थ्रॉटल है इसका, ये रेल लगी हुई है इसके अंदर, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन। ओके फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगे मेरी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।